श्रीलंका की सरकार ने भी भारतीय रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में मंजूरी दे दी है। अब भारत और श्रीलंका के बीच भारतीय मुद्रा में व्यापार हो सकेगा। यही नहीं, भारतीय नागरिक श्रीलंका में पर्यटन के लिहाज से भी भारतीय मुद्रा का उपयोग कर पाएंगे। श्रीलंका पहला देश नहीं है जिसने इस तरह से भारतीय मुद्रा को अपने यहाँ मान्यता दी है। इससे पहले भी कई देश भारतीय रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दे चुके हैं। इससे साफ है कि भारतीय रुपया का दुनिया भर में बोलबाला बढ़ने लगा है। यूं कहें कि अब भारतीय मुद्रा डॉलर और पाउंड को टक्कर देने की तैयारी में है तो गलत नहीं होगा। आइए जानते हैं कि भारतीय मुद्रा का किस तरह से दुनिया भर में नाम हो रहा है। अब तक कितने देशों ने भारतीय मुद्रा में व्यापार को मंजूरी दी है, कितने देशों में वोस्ट्रो खाते खुलने लगे हैं, इसका आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा। अभी अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा है। कुल वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 80% के करीब है। मतलब दुनिया भर में होने वाले कारोबार में 80% से ज्यादा का लेन देन डॉलर में ही होता है। कई देशों ने भारतीय मुद्रा में लेन देन की मंजूरी दे दी है। इससे डॉलर पर निर्भरता घटेगी और रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत होगा। भारत के साथ रुपए में व्यापार करने में दिलचस्पी दिखाने वाले ज्यादातर देश विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की कमी का सामना कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के मुताबिक दुनिया भर के 64 देश भारत के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इसमें जर्मनी, इसराइल जैसे बड़े देश शामिल हैं। पहली बार यूरोपीय यूनियन में शामिल देश जर्मनी एशिया की किसी मुद्रा यानी भारतीय मुद्रा रुपए के साथ व्यापार करने के लिए आगे आया है। अगर 30 देशों के साथ भारत का रुपए में कारोबार शुरू हो गया तो फिर रुपया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन जाएगा। रूस और श्रीलंका के साथ साथ 4 अन्य अफ्रीकी देश इसके लिए मंजूरी दे चुके हैं। इसके अलावा 17 ऐसे देश हैं जहां भारत के वोस्ट्रो खाते खोले हैं। ये दूसरे देशों के साथ रुपए में बिजनेस के लिए अनिवार्य है। इन 17 देशों में 12 भारतीय बैंकों को मंजूरी दी गई है। इस लिस्ट में भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक और IDBI बैंक शामिल हैं। इसके बाद अगर कोई भारतीय खरीदार किसी विदेशी व्यापार के साथ रुपए में लेन देन करना चाहता है तो सारी रकम वोस्ट्रो खाते में जमा की जाएगी। जब भारतीय निर्यातक को सप्लाई किए गए सामान के लिए भुगतान करने की जरूरत होगी तो इस वोस्ट्रो खाते से कटौती की जाएगी और पैसा निर्यातक के खाते में जमा किया जाएगा। आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफेसर प्रहलाद कहते हैं कि अभी तक दूसरे देशों से व्यापार के दौरान डॉलर खर्च करना पड़ता था, इसके चलते विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की कमी भी होने लगती है। इसी के चलते देश की आर्थिक विकास दर में गिरावट भी होती है और कर्ज भी बढ़ता है। लेकिन दूसरे देशों से रुपए में लेन देन से भारतीय व्यापार पर कम खतरा होता है। कच्चे तेल समेत जो भी उत्पाद दूसरे देशों से आयात किया जाता है उसका भुगतान रुपए के माध्यम से किया जाएगा। इससे हर साल अरबों डॉलर बचेंगे, मुद्रा की अस्थिरता से सुरक्षा मिलेगी, इससे कारोबार की लागत घटेगी और व्यापार का बेहतर तरीके से विकास होगा। यही नहीं, डॉलर समेत विदेशी मुद्रा भंडार रखने की जरूरत भी कम होगी। विदेशी मुद्रा खासकर डॉलर पर निर्भरता घटने से भारत पर बाहरी प्रभावों का कम असर होगा। उन्होंने आगे कहा कि रुपयों में व्यापार बढ़ने के साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI को भारतीय मुद्रा के लिए खरीदार तलाशने की जरूरत नहीं होगी। इससे भारतीय रुपए की डिमांड में इजाफा होगा। विदेशी बैंकों को कन्वर्जन फीस नहीं भेजने से जो रकम जमा होगी वो देश के भीतर काम आ जाएगी। प्रोफेसर प्रहलाद के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपए के इस्तेमाल से आम आदमी को भी कई लाभ होंगे। इसमें सबसे बड़ा फायदा महंगाई से मिलेगा, कई उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। भारत और अन्य देशों के बीच खाने के तेल, ड्राई फ्रूट्स, गैस, कोयला, दवाएं समेत कई चीजों का व्यापार होता है। रुपए में ट्रेड होने से एक्सचेंज रेट का रिस्क नहीं रहेगा और कारोबारी बेहतर बार्गेनिंग करते हुए सस्ते में डील फाइनल कर सकते हैं। इससे वह सामान आम आदमी तक सस्ते में पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।